अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सबको ईद मुबारक। और आज है ईद का फर्स्ट डे और अब सारा दिन तो हम लोग सोते रहे क्योंकि वो रमज़ान की इतनी आदत पड़ी हुई थी कि सारी रात जागते रहे और सुबह ईद की नमाज के बाद हम लोग लेट गए, सो गए। और अब इस टाइम डिनर था तो अब हम डिनर पे इस टाइम जा रहे हैं। और ये देखें जी, ऐमन भी तैयार हो गई है, फुल शशके शशके और शलवार कमीज। दिखाओ कैसे है, चूड़ियाँ भी दिखाओ ऐमन कैसे। तो ऐमन, बच्चों की ईद होती है, बच्चे ही बड़े प्यारे लगते हैं, तैयार श्यार। तो आप सबकी कैसी ईद गुजर रही है और क्या हो रहा है? कोरोना की वजह से उस तरह तो गेट टुगेदर्स नहीं हो रहे हैं क्योंकि पहले तो हम सुबह में भी जाते थे, रात में भी जाते थे, लेकिन अब थोड़े कम प्लान्स हैं इस दफ़ा। लेकिन बहुत क्लोज रिलेटिव से तो मिलना है ना, तो बस। तो हम अभी रास्ते में हैं और जा रहे हैं। ऐमन फुल एंजॉय कर रही है, फुल मूड में है। क्या कहा क्या, कहाँ जा रही हो आप? हाय कर दो सबको। हाय ऐमन की तरफ से आप लोगों को हाय, ईद मुबारक। छोटे होते हुए बहुत मज़ा आता होता था, ईदियाँ इतनी मिलती होती थी और वो उनकी जो खुशी होती थी ना, खैर अब खुशी तो अभी भी बहुत होती है, ईद मिलती है तो। आपने मुझे अभी तक ईद नहीं दी? हाँ ईद ही दें, देख लें फिर, यूट्यूब वाले भी सब देख लेंगे कि आपने मुझे अभी तक ईद ही नहीं दी है। ये देखें हम जा रहे हैं और ट्रैफिक इतनी है और अभी लोग कहते हैं कि जी कोरोना बहुत है। और तो अभी रास्ते में है और रास्ते में काफ़ी रश है और सारे जा कहाँ रहे हैं? हम तो चलो डिनर पे जा रहे हैं, ये क्यों जा रहे हैं? हेलो, और मैं अब पहुंच गई हूँ। और मैं किसके घर आई हूँ? ये हमारे घर आई है, अगर मैं याद हूँ किसी को तो मैं रबेल की तरफ आ गई हूँ। और ये है रबेल, आप लोगों को तो पता ही होगा ये रबेल। याद होगी ना, याद है आप लोगों को ये कौन है लड़की, प्यारी बच्ची कैसे प्यारी लग रही हो? हाँ, आज तो प्यारी लग रही है, आज मैं शोर हूँ। हाँ आज श्योर है भाई, वो आज कह रही है मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। तो और मैं रबेल की तरफ आ गई हूँ और अब हम एंजॉय करने लगे हैं। और अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, क्या हाल है तुम्हारा? ठीक है। और अभी हम मेरे पाँव में तो बहुत दर्द हो रहा है, मेरी भी पहनी है और हील्स भी आपने इतनी ज़्यादा पहनी हुई है ना कि ऑब्वियसली बात है दर्द तो होना ही है। तो देख सकते हैं कि ये सारे बैठे हुए हैं और इस बीच पे कोई अमल नहीं हो रहा है यहाँ, बिल्कुल भी नहीं हो रहा, किसी एक ने भी मास्क नहीं पहना वो। और कोरोना तो इधर लग ही नहीं रहा कि कोरोना है भी कि नहीं, सब कोरोना भाग गया इधर। चले अब हम आपको खाना खाने के बाद मिलते हैं। भूखी नहीं ना, कुछ ठंडा पीने के बाद, रमजान अभी भी खत्म हुआ है तो सारी नहीं, रमजान डिहाइड्रेशन हुई नहीं, रमजान अभी खत्म हुआ है तो कोई भूख प्यास कुछ भी नहीं लग रही है। मतलब लाइक मैं तो सुबह से बस फास्ट है, प्यास है, रोजा खोल लो। तो हम अपनी सारी मैं इसकी खातिर कब तवाजा कर लूँ, इसको खिला पिला कर क्लोज के लेके आती हूँ, फिर आते हैं। तो मैं फिर और अब बैठे हुए हैं, सब बातें शातें हो रही हैं, फुल इंजॉयमेंट हो रही है और खाने लगने का इंतज़ार कर रही हैं। हेलो आए जी, जी क्या, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, क्या हाल है? ठीक, आप सुनाएं। ये है माम, ये है मेरी कज़न, बड़ी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची है। ठीक है, क्या हाल है माम तुम्हारा? ठीक हूँ, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक, ऐसी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो आजा बेनी, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, ये है जी माम की छोटी बहन जैनब। ठीक है, ये जैनी है और ये स्वैग भी है इसका, ये स्वैग भी है इसका। तो क्या हाल है आपका? ठीक है आप? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाई। और कैसी हैं आप दोनों बहनें?
कैसी जा रही है आपकी आपने कोई कटी की है कि नहीं? अच्छा मैं दूंगी, हाँ अब तो देनी पड़ेगी, अब तो आपने वीडियो के सामने कह दिया अब तो देनी पड़ेगी तो पता लगे ना आप देती है। सही है सही है सही है। तो और जैनब आप सुनाए, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रही हैं आप। तो एक्शन तो आपके बड़े हैं, बाल शाल बड़े फट बनाए हैं आपने। थैंक यू, शुक्रिया भी नहीं कहना आ रहा आप इस। मैम आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं मैं कुछ कहना चाहूंगी। ये तुम बाबा जी से आगे बन गई। लेकिन हम लाहौर में रहते तो बाबा जी लाहौर। अच्छा बाबा जी लाहौर, चलो बाबा जी बाबा 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 जी। अच्छा आप कहो फिर बाबा जी। अच्छा बाबा जी लाहौर, ठीक है। चूड़ियाँ बहुत फंस रही हैं, मुझे चूड़ियाँ बड़ी, मुझे गिफ्ट मिली हैं चूड़ियाँ, तुम्हें पता है मुझे मेरी भाभी ने ये चूड़ियाँ गिफ्ट की। मेरी एक ही भाभी है और कोई तेरी भाभी है? मतलब ये मेरी भाभी है, ये खड़ी भी है, ये जरा थोड़ी कैमरा शाय है, उसको शर्म बहुत आती है इसलिए वो जरा आती नहीं है। भाभी आप ही हैं? नहीं आऊंगी मैं, कैमरा शाय हूँ, मुझे शर्म आती है। ये देखो ये कौन आया, हाँ चलो जी ऐसे घूम के आ जाओ, कह रहे हैं कि आ जाओ भी मिल लो। अस्सलाम वालेकुम, जिस जिसने मेरे यूट्यूब में आना है मिलना है दिखा रहे हैं जी यार। बात रह गई क्या? आपको दिखाती हूँ आपकी ब्लॉगर, देखें आपकी ब्लॉगर बैठी गॉसिप्स कर रही है कजने। इधर भी देख लें आप, इधर भी देख लें। ईदी चाहिए, वो कह रही है कि मेरी ना ईदी नहीं हुई है। तुम क्या छुपके छुपके हमारी मतलब वीडियो लगा रही हो? तो अभी मैं रबेल के घर से अभी वापस आई हूँ और उसके बाद मतलब ईद वगैरह मिलनी शुरू हो गई, तो बस बच्चों की अपनी रौनक वगैरह और सारा कुछ शुरू हो गया, तो बस फिर उस टाइम मैं शूट नहीं कर सकी। तो बस अभी घर आई हूँ और अब बस एक बज रहा है और काफ़ी लेट हो गया है। बड़ा अच्छा रहा, बड़ा मज़ा आया, बड़ा इन्जॉय किया, ईद छीद बैठ रही थी और सबने बड़ा शुगर लगाया, बड़ा इन्जॉय किया, बड़े भी बच्चे बने हुए थे ईद के लिए, तो यही फ़न होता है फैमिली के साथ, बहुत मज़ा आता है और इन्जॉय किया। अच्छी ईद गुजर गई, फर्स्ट डे तो अच्छा गुजर गया। अब आप लोग सुनाएं, आप लोग बताएं आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, कैसा रहा, मज़ा आया, इन्जॉय किया और ईदी कितनी मिली तो मुझे बताइएगा। ये देखें जी एमन आई है और नो और चलो जी एमन अपनी चीज़ें लेके भाग रही है। क्या कर लियो? आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।